तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि शोभा यात्रा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और शोभा यात्रा निकल चुकी है। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि शोभा यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहें, बताइए क्या कहेंगे शोभा यात्रा को लेकर। शोभा यात्रा बहुत सुसज्जित है, बहुत अच्छा है। कैसी भीड़ रहेगी, किस तरीके से लोग रहेंगे? हर साल की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ की उम्मीद है। भीड़ ज़्यादा उम्मीद है, चलिए भीड़ की ज़्यादा होने की उम्मीद है। बहुत सारी यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, ये लोग भी शोभा यात्रा में शामिल होने वाली हैं। बताइए क्या कहेंगे शोभा यात्रा में आप लोग शामिल होंगी? जय श्री राम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को और हर एक साल आते हैं लोग राम जी के यात्रा में और यही सबसे कहेंगे, सब लोग प्रेम से बोले जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बस राम राम का गूंज है और सबसे यही कहेंगे सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से जय श्री राम का ये करके अच्छे से शोभा यात्रा निकाले। और बहुत दिनों से इंतजार भी होगा इस शोभा यात्रा की। बताइए क्या कहेंगे, शोभा यात्रा में शामिल होना है ना आप लोग, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है, हर साल ऐसा ही तैयारी होती है और मेरा कामना है कि हम हर साल ऐसा ही तैयारी होता रहे और भक्तों का मतलब श्रद्धा बढ़ती जाए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा को लेकर के, किस तरह से तैयारी है? बहुत अच्छी से तैयारी है, हर एक साल के बाद इस बार भी बहुत अच्छे से तैयारी है और हम लोग शोभा यात्रा लेके ले जा रहे हैं। आप सबका सहयोग है, जिला प्रशासन का सहयोग है। बताइए कृष्णा जी क्या कहना चाहेंगे? आज ये बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे जनप्रिय और रोकेंगे और बीच में आप देख सकते हैं कैसे भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा यहाँ पे रथ पे सवार हो रही है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो रथ पे सवार हो रही है। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं जो कि सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हम आपको दिखा रहे हैं और ये भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा को रथ पे वहाँ पे रखा जा रहा है और उसके बाद से यहाँ से 11:45 पर जो शोभा यात्रा निकल जाएगी। तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ जयकारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, चारों तरफ जयकारे जय श्री राम के नारे। और ये जो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रतिमा है वो अब रथ पे सवार हो चुकी है। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम लोगों की भीड़, ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगातार ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए और जय श्री राम के नारे लगातार नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। तो बिल्कुल ये तस्वीरें सिवान के गांधी मैदान से कि कैसे यहाँ पे भगवान श्री राम की प्रतिमा को वहाँ पे रखा जा रहा है और उसके बाद से यहाँ पे 11:45 से शोभा यात्रा निकलेगी। पूरी तैयारी है, जोर शोर से तैयारी है, दमखम के साथ तैयारी है क्योंकि इस बार जो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ और उसको लेकर के लोगों में एक जागरूकता है, लोगों में जज्बा है, लोगों में खुशी का माहौल है और इसको लेकर के थोड़ी देर में जो शोभा यात्रा है वो सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान से निकलेगी। 11:45 का निर्धारित समय दिया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे और नगर थाना अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं, तमाम गाजे बाजे सब कुछ यहाँ पे है, नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन जी भी पहुँच चुके हैं। क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और अब यहाँ से श्री राम जी का शोभा यात्रा निकलने वाला है गांधी मैदान से और जेपी चौक होते हुए बबुनिया मोड़ की ओर रवाना होगा। लगातार आप लोग भी बने हुए, तमाम प्रशासन के आला अधिकारी भी लगे हुए हैं, अपील क्या होगी क्योंकि अब 11:45 पर शोभा यात्रा प्रस्थान। हमारी अपील सिवान के जनता से यही है कि इस शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालेंगे और हम लोग इस जुलूस को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं सब कुछ? हर चप्पे चप्पे पे, हर चौक चौराहे पे व्यवस्था है, छत पे भी व्यवस्था की गई है पुलिस की और हमारे कुछ सिविल में भी पुलिस कर्मी और सामाजिक तत्वों पे कड़ी नजर रख रहे हैं। लगातार देख सकते हैं आप, लगातार लाइव कवरेज जो हम दिखा रहे हैं सिवान के गांधी मैदान से और इसी तरीके का हमारा कवरेज जारी रहेगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव गांधी मैदान सिवान।